नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सितारों में शादी में दिए जाते हैं कितने रुपए वाले लिफाफे। बिग बी ने उठाया इस राज से पर्दा। आप लोग शादियों में जाते ही रहते हैं, यदि कोई आपसे पूछे कि आप शादियों में क्या लेकर जाते हैं तो आप में से कई लोगों का ये जवाब होगा कि दूल्हा दुल्हन के लिए कोई ना कोई गिफ्ट ले जाते हैं या फिर बंद लिफाफे में शगुन के तौर पर कुछ ना कुछ रुपए लेकर दूल्हा दुल्हन को दे देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह के न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपके जहन में भी कभी यह सवाल आया कि बड़े बड़े स्टार की जब शादी होती है तो उसमें शरीक होने वाले सेलिब्रिटी मेहमान क्या उपहार देते हैं या फिर जो वह सेलिब्रिटी लिफाफा देते हैं उसमें कितने रुपए देते हैं। इस बारे में अधिकतर लोगों के जहन में आएगा कि जरूर ये सेलिब्रिटी मेहमान महंगे उपहार देते होंगे या फिर बंद लिफाफे में कोई बड़ा अमाउंट होगा। लेकिन इसके बारे में जब बॉलीवुड के महानायक ने खुलासा किया तो सब हैरान रह गए। अब बिग बी ने क्या कहा, आइए आज हम आपको बताते हैं। मौका केबीसी टीम के ग्रैंड फिनाले का था। इस दौरान बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्म जगत के ऐसे राज खोले जिसको जानकर हर किसी का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और कोई होता तो शायद विश्वास ना होता, लेकिन बिग बी के बारे में सब जानते हैं। वह ना केवल बॉलीवुड सुपरस्टार है बल्कि एक बेहद नेक दिल इंसान है जो हमेशा सच के साथ रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब किसी स्टार की शादी होती है तो उसके जूनियर आर्टिस्ट या मेकअप मैन के लिए ये चिंता का विषय बन जाता है कि वह लिफाफे में कितने रुपए डालकर ले जाए। इसके बारे में बिग बी ने बताया कि इस पर विचार करते हुए यह माना गया है कि जब भी किसी स्टार की शादी होगी उसमें फिल्म जगत से जुड़ा कोई भी कलाकार जाएगा तो वह 101 रुपए लिफाफे में डालकर ले जाएगा। यह नियम सब पर लागू होता है। अपनी पर्सनल इच्छा बताते हुए बिग बी ने बताया कि उनको उपहार में फूलों का गुलदस्ता देना पसंद है, लेकिन जया बच्चन को नहीं, क्योंकि उनका मानना है इसको बाद में लोग फेंक देते हैं।